हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज की अगली कॉमिक स्वर्ग की तबाही। पिछले भाग आदमखोरों का स्वर्ग में आपने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन वैज्ञानिक ने लक्षद्वीप के जंगलों में स्थित एक गुप्त प्रयोगशाला में मनुष्य को पशु मानव में बदलने का एक अनोखा आविष्कार किया। परिस्थितिवश उसने आत्महत्या कर ली। कई वर्षों बाद कुछ अपराधियों ने उस आविष्कार के जरिए पूरी दुनिया पर राज करने का षड्यंत्र रचा, परंतु तभी ऐसे ही एक प्राणी भेड़िया मानव की मुठभेड़ ध्रुव से हो गई। ध्रुव उस भेड़िया मानव द्वारा छोड़े गए सूत्रों का पीछा करता करता लक्षद्वीप में स्थित नागूद्वीप के घने जंगलों में जा पहुंचा, जहां इन प्राणियों का मुख्य गढ़ था। वहां ध्रुव की मुठभेड़ सर्प मानव, गैंडा मानव और भेड़िया मानव से हुई, परंतु ध्रुव अपनी बुद्धि और शक्ति से सबको परास्त करता हुआ उनके गढ़ में जा घुसा, परंतु वहां वह सिंह मानव नरसिंह के चंगुल में फंस गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक रहस्यमय मानवाकृति लगातार ध्रुव के पीछे लगी थी। अंततः नरसिंह ने ध्रुव को भी बाघ मानव बनाने की ठान ली, ताकि फिर ध्रुव उसका आजीवन गुलाम बन जाए। अब आगे पढ़िए। ध्रुव का मुंह अपने आप खुल गया था, क्योंकि एक हाथ उसके बालों को कसकर खींचे हुए था, बीकर टेढ़ा हुआ और उसमें भरे बाघ के जींस ध्रुव के खुले मुंह में गिरने लगे। ध्रुव ने पूरी कोशिश की कि ध्रुव उसके गले से नीचे ना उतरने पाए, लेकिन अब सांस उसका साथ छोड़ रही थी। खतरनाक द्रव गले से नीचे उतरने ही वाला था। ध्रुव के बाघ मानव बनने में चंद छड़ों का फासला था कि तभी दो गोलियां चली। पहली गोली ने बीकर चकनाचूर कर दिया और दूसरी गोली का निशाना था कमरे में चमक रहा एकमात्र बल्ब। पूरा कमरा पलक झपकते ही अंधेरे में डूब गया। अंधेरे का फायदा उठाकर ध्रुव ने धोबी पाट दांव मारा। पकड़ना, भागने ना पाए। और एक भेड़िया मानव ध्रुव की पीठ पर से होता हुआ दूसरे भेड़िया मानव से जा टकराया और वे दोनों ही अपना संतुलन खोकर नरसिंह पर जा गिरे। ध्रुव ने अपने मुंह में भरा द्रव तेजी से बाहर थूका और एक गहरी सांस ली। पकड़ो! पर यह गोली चलाई किसने? यहां पर मेरा मित्र कौन आ गया? एक मिनट, नरसिंह ने मुझसे पूछा था कि मैंने भेड़िया मानव पीटर को गोली क्यों मारी, परंतु मैंने तो उसे गोली नहीं मारी। यानी यहां पर मैं अकेला नहीं, हम दो हैं। पर वह दूसरा है कौन? लगता है कि अब ध्रुव को अपनी शक्ल दिखाने का वक्त आ गया है। वह मैं हूं, लेकिन दूसरा नहीं। अरे, दूसरी रेणु तुम? यस कैप्टन, लेकिन तुम छोड़ो, बाकी बातें मैं तुमसे बाद में पूछूंगा, अभी मैं इनको उलझाए रखता हूं। इस बीच तुम यहां से निकलकर एसपी साहब को सूचित करो, पर जल्दी। पर मैं बहस मत करो, भागो, कोई इधर ही आ रहा है। अपने आने वाला प्राणी मानो किसी दुस्वप्न से निकल कर आया था। अरे वह लड़की, उफ, इसने रेणु को भागते हुए देख लिया। शूकर मानव का मुंह अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए खुला, लेकिन ध्रुव ने तब तक जमीन से मिट्टी का एक ढेला उठा लिया था। निशाना सच्चा था। शूकर मानव की आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। इसके खुले मुंह में गोली मारना ज्यादा आसान होता, परंतु दुर्भाग्यवश मेरी पिस्तौल में साइलेंसर नहीं है। सभी पशु मानव गोली की आवाज सुनकर सीधे यहीं आते। ध्रुव ने तेजी से अपना सिर नीचे किया और अगले ही पल वह उछलकर 5 फुट पीछे जा आ गिरा। उफ, लगता है जैसे मैंने सिर किसी दीवार पर दे मारा हो। इससे पहले कि ध्रुव इस आत्मघाती वार से संभल पाता, गुस्से में पागल शूकर मानव चेतावनी देना भूलकर ध्रुव को मसल देने के लिए आगे बढ़ा। ध्रुव ने पहला वार बचाया, लेकिन दूसरा वार वह नहीं बचा पाया। उफ, इससे बचने का तो कोई रास्ता समझ में ही नहीं आता। रास्ता तो है, यह सकरा गलियारा। ध्रुव तेजी से सकरे गलियारे में लपका और क्रुद्ध शूकर मानव भी बिना कुछ सोचे समझे तंग गलियारे में घुस गया, पर वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। ये क्या, मैं तो गलियारे में फंस गया, मैं हाथ तक नहीं हिला पा रहा हूं। ध्रुव का हाथ तेजी से आगे बढ़ा और दो उंगलियां अपने निशाने पर जा घुसी। अब यह किसी को यह नहीं बता पाएगा कि मैं किधर गया। यह चिल्लाहट कैसी है? यह तो शूकर मानव जीलान की चीख है, चलो देखें क्या हुआ। शूकर मानव तब तक तंग गलियारे से वापस निकल आने में कामयाब हो गया था। क्या हुआ जीलान? स्वामी, मैं अंधा हो गया। स्वामी, उसने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। हाय, किसने? ध्रुव ने। ध्रुव, 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 मैं पागल हो जाऊंगा। वह गया किधर? मैं देख नहीं पाया। ओह, तो इसलिए उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी और भाग गया। लेकिन वह जाएगा कहाँ? हमारा हर एक सेवक उसकी तलाश में है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी?
जगुआर तुम मेरे साथ आओ। जो आज्ञा स्वामी। ध्रुव ने छिपने की जगह ढूंढ तो ली थी, पर कुछ कदमों की हट इधर ही आ रही है। और इस कमरे में आने या जाने का सिर्फ एक दरवाजा है। लगता है कि अब मैं फंस गया, लेकिन अब रेणु मदद लेकर आती ही होगी। दूसरी तरफ रेणु ने सतर्कता के चलते हुए 3/4 रास्ता तय कर लिया था कि तभी, अरे अरे, स्वामी ने मुझको पहरे पर लगाकर अच्छा ही किया, वरना ये लड़की हमारे किए कराए पर पानी फेर देती। डैनो की फड़फड़ा सुनकर रेणु मुड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बाज मानव रेणु को लेकर वापस गढ़ की तरफ रवाना हो गया। ध्रुव की उम्मीदों की आखिरी कड़ी भी टूट गई। दूसरी तरफ लक्षद्वीप से दूर भारत की धरती पर इस बीच घटनाएं दूसरा ही मोड़ ले रही थी। पापा, मुझे तो चिंता हो रही है, 2 दिन होने वाले हैं और ध्रुव भैया की अब तक कोई खबर नहीं आई। श्वेता की चिंता बिल्कुल सही है, आप तो बाप नहीं पत्थर हैं। इतने दिन बाद बेटा मिला और उसको भी, रो मत निशा, उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे तो उन पशु मानवों पर दया आ रही है कि उनका सामना ध्रुव से है। खैर, मैं अभी तुरंत स्पेशल परमिशन का इंतजाम करके लक्षद्वीप रवाना होता हूँ। मेरे रहते ध्रुव पर कोई आंच नहीं आ सकती। पापा, मैं भी चलूंगी। अरे, तू क्या करेगी वहां पर? तू तो चुपचाप यहाँ बैठकर अपना वही शौक पूरा कर, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई चीजें बनाने वाले, समझी? नहीं पापा, अब तक मैं ध्रुव भैया को ठीक ठाक नहीं देख रही थी, मुझसे कोई बात काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तू जीती और मैं हारा, जा कपड़े पैक कर ले। उधर ध्रुव के लिए मुसीबत अभी शुरू ही हुई थी। जगुआर, हमें ध्रुव को कम नहीं आंकना चाहिए। सर्व मानव नूरा, गैंडा मानव रासुका और शुकर मानव जीलान को हरा देने वाला लड़का मामूली नहीं हो सकता। और भेड़िया मानव शकुरा को भी। स्वामी, हाँ, इसलिए तुम सौर किरण कक्ष पर पहरा और कड़ा पहरा दो। अगर उसको किसी तरह ये पता चल गया कि हमारी मुख्य मशीन उसी कमरे में है जो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके इन कलाई वाले पट्टों को चालू रखती है, तो वह उसको नष्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। उस मशीन के नष्ट होने से हमारे पट्टों की शक्ति भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा ये मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये है इनका मुख्य भेद। मैं समझ गया स्वामी, मैं अभी तभी। स्वामी, यह लड़की हमारे गढ़ की तरफ से भाग रही थी। कौन है तू लड़की? हा हा, यह ऐसे कुछ नहीं बताएगी, यह जरूर ध्रुव की सहेली होगी। इसको सावधानी से बंद कर दो, ध्रुव को बचाने के लिए गोली इसी ने चलाई होगी। उफ, ये क्या हो गया, ये जल्दी हमारे काम आएगी। ध्रुव असहाय सा देखता रह गया। इस वक्त अगर मैंने रेणु को बचाने की कोशिश की तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और सुनो जगुआर, भेड़िया मानव पीटर को जिस तरह से आंख में गोली मार गई उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। वैसे मैं तुम सबको बता चुका हूँ कि गोलियां हमारे शरीर पर असर नहीं करेंगी, परंतु फिर भी तुम सभी गश्ती सेवकों को ब्लूटूथ शीशों के चश्मे पहनने का आदेश दे दो। बहुत अच्छा स्वामी। दोनों आकृतियां धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। अब सबसे पहला काम है रेणु को आजाद कराना, और उसके बाद वो मशीन नष्ट करना जो इन सारे झगड़े की जड़ है। वहां से कुछ ही मील दूर, आइए सर, लक्षद्वीप में आपका स्वागत है। आपका टेलीग्राम हमको अभी अभी मिला। SP शेर खान कहाँ है? वे शहर के दौरे पर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तब तक आप आराम कीजिए सर। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया। आप तुरंत वायरलेस से मिस्टर शेर खान को खबर करिए, मैं उन्हें 15 मिनट के अंदर अपने सामने देखना चाहता हूँ। यस सर। शाबाश पापा। और ठीक 15 मिनट बाद SP शेर खान IG राजन के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। पर सर, मैंने तो इसे मनगढ़ंत बात समझा था। बहुत खूब, यानी कोई 500 मील दूर चलकर आपको मनगढ़ंत गप्पे सुनाने आएगा। वो आई एम सॉरी सर। आप तुरंत स्पेशल पुलिस फोर्स का इंतजाम करिए, यह छानबीन मैं खुद करूंगा। लेकिन तभी मोटरसाइकिल, साहब मैं जानता हूँ साहब, बताओ तो कुछ इनाम। नहीं, शीघ्र ही। हाँ सर, मिस्टर ध्रुव यहीं पर रुके थे। थे का मतलब मैनेजर? सर, वे कल शाम को अपनी मोटरसाइकिल से कहीं चले गए। कहाँ गए ये नहीं पता। लेकिन तभी मोटरसाइकिल, साहब मैं जानता हूँ साहब, बताऊँ तो कुछ इनाम मिलेगा? मिलेगा, बताओ। कल शाम को इसी होटल से एक लड़की पीले और नीले चुस्त कपड़े पहने मोटरसाइकिल एक लड़का पीले और नीले चुस्त कपड़े पहने मोटरसाइकिल पर निकला, और साहब तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई, उसने मुझसे मोटरसाइकिल का पीछा करने को कहा। ध्रुव का पीछा? फिर वे दोनों कहाँ तक गए? जंगल के छोर तक साहब। आइए मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। चलो,
शीघ्र ही। ये तो भैया की ही मोटरसाइकिल है पापा, यानी ध्रुव कल शाम को जंगल में गया था, गया और अब तक नहीं लौटा। आओ श्वेता, अब एक क्षण भी व्यर्थ करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ध्रुव अभी तक पशु मानवों के चक्रव्यूह में ही फंसा था। उफ, अभी तो मुझे ये तक नहीं पता कि इन प्राणियों ने रेणु को बंदी बनाकर कहाँ रखा है। रेणु भी परेशान थी। ध्रुव अब तक यही समझ रहा होगा कि मैं मदद लेकर आ रही हूँ। उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ पर बंदी हूँ, पर कैसे? हाँ, एक रास्ता है। ये लोहे के पाइप जिनके अंदर से बिजली के तार गए हैं पूरी इमारत में फैले हैं। अगर मैं इनसे संदेश भेजूं तो ध्रुव इस माध्यम से जहां कहीं भी होगा मेरा संदेश सुन लेगा। संदेश पाइपों के जरिए पूरी इमारत में फैलने लगा। ये टक टक की आवाज कैसी है? अरे तो चुपचाप अपना काम क्यों नहीं करता? पाइप में कोई चूगा हुआ घुस गया होगा। परंतु ध्रुव इतना बेखबर नहीं था। ये क्या, ये तो मोर्स कोड से कोई संदेश भेज रहा है। अरे ये तो रेणु का संदेश है। वह इस इमारत के पूर्वी छोर पर बने कैदखाने में बंद है, और जल्द ही। ये रहा वह कैदखाना जहां रेणु बंद है। पर आश्चर्य, इस पर कोई पहरा नहीं है। शायद ये रेणु की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं करते। ध्रुव ने सतर्कता से चारों तरफ देखा और फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। ओह ध्रुव, इन लोगों ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया। मैं तो जंगल से बाहर ही नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, अब सबसे पहले तुमको ध्रुव, तुम्हारे पीछे। एकाएक ध्रुव ने महसूस किया कि वह दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया है। स्वामी जानते थे कि तुम इस लड़की की तलाश में यहां जरूर आओगे, और तुम आ गए। स्वामी का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। बंद कर दो। कैद खाने का दरवाजा खुला, एक धक्का लगा और ध्रुव अंदर जा गिरा। कमीनो, अब तुम दोनों यहीं सड़ सड़ कर मरोगे। दुनिया अब ये सही वक्त पर ही जान पाएगी कि हम कौन हैं, पर यह कभी नहीं जान पाएगी कि हम कहाँ हैं। परंतु शहर में फोर्स तैयार है सर। वेरी गुड, उनको तुरंत चलने का आदेश दो। और श्वेता तुम? अरे श्वेता कहाँ चली गई? जब आप नहीं नहा रहे थे सर, तब श्वेता बीबी आइसक्रीम लेने चली गई। अजीब लड़की है ये तो। अभी अपने भैया के लिए इतनी परेशान थी और अब आइसक्रीम खाने निकल गई। खैर अच्छा ही हुआ, मैं खुद भी उसको उस खतरनाक स्थान पर ले जाना नहीं चाहता था। और शीघ्र ही अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस स्पेशल पुलिस फोर्स जंगल की तरफ बढ़ चली। जंगल में आने वाली मुसीबतों से बेखबर पशु मानव एकदम निश्चिंत थे। अगर वह लड़की भाग जाती तो हमारा अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तुमने वाकई कमाल का काम किया है बाज मानव शिमिट। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि दो आंखें उनको देख रही हैं। वह इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहता हूं, और अब मैं फिर गश्त पर जा रहा हूं। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? अब यहां पर कौन आएगा? फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं अभी आता हूं। और उस रहस्यमय साए को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मूर्ख पूरी तरह निश्चिंत हैं। ये नहीं जानते कि इनकी मौत यहाँ आने के लिए चल चुकी है। पर ये इतने भी निश्चिंत नहीं है कि इमारत के पहरे में ढील दे दें। अंदर जाने का सिर्फ यही रास्ता है। इसलिए इन आदमखोरों की पूरी जमात को इमारत के मुख्य द्वार से दूर हटाना पड़ेगा। आग, आग लग गई! अरे दौड़ो, इस पर पंप से पानी डालो। जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है। आग तो बढ़ रही है, हम सब तबाह हो जाएंगे। उफ, नरसिंह भी यहाँ नहीं है। पता नहीं वह दिन होते ही रोज कहाँ चला जाता है। चुप, पानी डाल चुपचाप। अंदर कैदियों को छोड़ो, जल्दी आओ। बाहर आग लग गई है, आग बुझाने वाले कम पड़ रहे हैं। क्या, तुम यही रुको निक्का, मैं जाकर इनकी मदद करता हूँ। यही मौका है रेणु, वरना हम कभी भी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर कैसे? दरवाजे पर ताला लगा है और हम दोनों की पिस्तौलें इन पशु मानवों ने ले ली हैं। परंतु तभी एक अप्रत्याशित मदद ऊपर से कूदी। अरे ये कौन है? कोई भी हो पर दोस्ती लगती है। और पहरेदार उछल कर सलाखों पर आ गिरा। ध्रुव आगे लपका। रेणु, तुम इसका दूसरा हाथ पकड़ो, मैं इसका पट्टा खोलता हूं। लेकिन भेड़िया मानव में अद्भुत ताकत थी। आह, सुनो, तुम जो भी हो इसके हाथ का पट्टा खोल दो। हाँ हाँ, इसका मौका मैं दूंगा तब ना। उफ, इनमें तो वाकई अद्भुत ताकत है, लेकिन मैं भी इनके लिए तैयार हूं। उस मददगार का हाथ अपनी बेल्ट पर गया और अगले ही पल भेड़िया मानव अपना सिर फाड़कर सर पकड़कर जोरों से चीखा। अब मैं इससे चाबी ले लूं तो ये मना भी नहीं कर पाएगा। आश्चर्यजनक, ये तुमने क्या किया? और तुम हो कौन? मुझे चंडिका कहते हैं। मैं समाज के दुश्मनों की कट्टर दुश्मन हूं और दोस्तों की पक्की दोस्त। ध्रुव ने शीघ्रता से भेड़िया मानव के हाथ से पट्टा उतारा। अरे ये तो मनुष्य के रूप में आ रहा है। हाँ, इनका असली रूप यही है। ध्रुव का एक करारा कराटे चाप भेड़िया मानव की गर्दन पर पड़ा। अब ये हमें परेशान नहीं करेगा। आओ,
अब पहला काम वह मशीन कक्ष नष्ट करना है जो इनके पट्टों को ऊर्जा सप्लाई करके इनको पशु मानव बनाए रखता है। मशीन कक्ष? हाँ, नरसिंह ने मुझको अनजाने में ही यह रहस्य बता दिया। पर चंडिका, तुमने इस भेड़िया मानव के साथ क्या किया था? पराध्वनि तरंग गए यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स मेरी बेल्ट में लगे इस यंत्र से आवाज की आवृत्ति बहुत अधिक हो जाने पर वे तरंगे पैदा होती हैं। हम मनुष्य इसको नहीं सुन पाते, लेकिन पशु सुन लेते हैं। पशु रूप में वह भेड़िया मानव यही भीषण शोर सुनकर सिर पकड़कर बैठ गया था। अगर वह और थोड़ी देर यह शोर सुनता रहता तो उसका मस्तिष्क नष्ट भी हो सकता था। वाह, एक खबर और है ध्रुव, तुम्हारे पिता पुलिस फोर्स लेकर इधर ही आ रहे हैं। अब इन प्राणियों का अंत निश्चित है। मेरे पिता यहाँ? यह आखिर है कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? खैर, अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। चंडिका, इस सूचना से अब हमें पूर्व योजना बदलनी पड़ेगी। तुम रेणु को लेकर तुरंत मेरे पिताजी के पास पहुंचो और उनको यहाँ की स्थिति से अवगत कराओ। पर तुम यहाँ अकेले बहस मत करो, हो सकता है उनको पशु मानव की शक्ति का सही अंदाजा ना हो। रेणु का इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। बाहर का मोर्चा तो पुलिस फोर्स संभाल लेगी, लेकिन अंदर का पूरा मोर्चा मुझको अकेले ही संभालना है। बाहर आओ रेणु, वे अभी तक आग बुझाने में व्यस्त हैं जो मेरी लगाई हुई है। पर तभी वे देखो, वो लड़की फिर भाग रही है, साथ में कोई और भी है। जखीरा, आओ मेरे साथ, इस बार इसका फैसला कर ही दिया जाए। पशु मानवों से बचकर भाग पाना असंभव था, पहला वार चंडिका पर हुआ। आ, मेरी अल्ट्रासोनिक बेल्ट! शारीरिक शक्ति में दोनों लड़कियां पशु मानवों के सामने मच्छर के समान थी। ध्यान रखना जखीरा, इस बार ये भागने ना पाए। तुम उधर से पकड़ो, मैं इधर से पकड़ता हूँ। दोनों भेड़िया मानव दो तरफ से बढ़े। अगले ही पल दोनों लड़कियों के बदन हवा में उछले। और हमारे वारों का इन पर असर नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के वारों का तो असर जरूर होगा। आओ रेणु, जल्दी उधर, चीप चीप से को पुलिस आ रही है। क्या? कमांडर, बाहर पुलिस आ रही है। और वह क्या? ध्रुव और वह लड़की भाग निकले। क्या? तो तुरंत जाकर मशीन कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो, और अभी और सभी सेकों को आदेश दो कि वे पुलिस से मोर्चा लें। उनका एक भी सिपाही जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। लगता है बाहर पुलिस आ गई है। ध्रुव का ख्याल एकदम सही था, पुलिस बाहर आ चुकी थी। यही है हमारी मंजिल, जवानों पोजीशन ले लो। तभी अरे रेणु, तुम और ये कौन है? ये बताने का वक्त नहीं है सर, ध्रुव अभी तक अंदर ही है और इन प्राणियों के पास अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। ये जब तक इसी रूप में रहेंगे इनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। इसी रूप में यानी? हाँ सर, ये प्राणी वास्तव में मनुष्य हैं और अपनी कलाई पर बंधे पट्टों की वजह से जानवरनुमा बने हुए हैं। ओह माय गॉड, बची अप्पा, मेरा मतलब आईजी साहब। लेकिन तभी इमारत की ओर से तेज फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सर, घने पेड़ों के कारण हमारी सारी गोलियां व्यर्थ जा रही हैं, गोली चलाना बेकार है, हमला करो। अरे ये सब तो हमारी तरफ ही भागते आ रहे हैं, मशीन गन चलाओ। परंतु मशीन गन की गोलियां भी पशु मानवों पर अप्रभावी रहीं और पुलिस खेमे में तहलका मच गया। ऐसे एक जानवर को मैंने आंख में गोली मारकर खत्म किया था, पर इस वक्त इनको बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहन रखे हैं। पशु मानवों का हमला जबरदस्त था, परंतु तभी एसपी शेर खान चीख कर पलटे। आह, क्या हुआ शेर खान? गोली सर, आ मुझे गोली लगी है सर। राम सिंह, तुम एसपी साहब को लेकर तुरंत अस्पताल। नहीं सर, इस मोर्चे से अपना एक भी सिपाही कम नहीं होना चाहिए, अपनी देखभाल मैं खुद कर लूंगा। मैं पट्टी बांधकर अभी आता हूँ सर। यहाँ की फिक्र मत करना, तुम अपनी तबीयत देख कर ही आना। इधर पुलिस के जवान एक एक कर कम हो रहे थे और दूसरी तरफ पशु मानवों का पड़ रहा भारी हो रहा था। नरसिंह आ गए, वाह! नरसिंह की उपस्थिति से पशु मानवों का जोश दुगना तिगना हो गया। सेवकों, गोलियां हम पर बेअसर हैं, आगे बढ़ो और इनको गाजर मूली की तरह काट डालो। इनके एक भी सिपाही की जिंदगी हम सबकी मौत है। चंडिका, ये क्या हुआ? मैं ध्रुव की मदद के लिए अंदर जाना चाहती थी, पर अब वह संभव नहीं दिखता। पशु मानवों ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, लेकिन फिर भी पुलिस के जवान साहस का दामन नहीं छोड़ रहे थे। आईजी राजन भी किसी से पीछे नहीं थे। मुझ में अब भी इतनी शक्ति है कि तुम जैसे नाली के कीड़ों से बखूबी निपट सकूं। नाली के कीड़ों से तो निपट सकते हो आईजी साहब, लेकिन जंगल के शहंशाह की एक दहाड़ से ही तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा। रेणु, आईजी साहब की मदद करो। आओ, फिक्र मत करो चंडिका, मेरे रहते कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। दोनों लड़कियां नरसिंह पर बाज के समान झपटी, परंतु नरसिंह की अद्भुत शक्ति के सामने वे विवश थीं। आईजी राजन पुलिस वाले की जब मौत आती है तो जंगल की तरफ भागता है। आईजी राजन बेबस हो गए, दम साथ तोड़ छोड़ने लगा।
अंदर ध्रुव इस भयानक युद्ध से बेखबर था। यही है इनका मशीन कक्ष, लेकिन इस पर तो बहुत सख्त पहरा है। ध्रुव बाहर कहीं नहीं दिख रहा, वह जरूर इसी इमारत के अंदर छुपा होगा। अगर वह यहां तक आ गया और उसने यह बटन नष्ट कर दिया तो समझो हम नष्ट हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो मुझको रोकने की भरपूर कोशिश कर लो कमीनो, अब मुझको रोक पाना असंभव है। इस बटन को नष्ट करने से मुझको अब साक्षात शैतान भी नहीं रोक सकता। ध्रुव का निश्चय दृढ़ अवश्य था, परंतु पशु मानवों की संख्या बहुत अधिक थी। पकड़ लिया, छूटने ना पाए, इसको बटन तक मत पहुंचने देना वरना। मुकाबला किसी भी नजर से बराबर का नहीं था, लेकिन ध्रुव की रगों में उबलते खून ने पशु मानवों की शक्ति को तहस नहस कर दिया। उत्तेजना अपनी चरम सीमा पर थी और ध्रुव ने अपना काम अंजाम दे दिया। आ ओह, पशु मानवों की खूंखार शक्लें बदलने लगी। बाहर सिपाहियों से ज्यादा आश्चर्यचकित स्वयं पशु मानव थे। ये क्या? हुर्रे, ध्रुव ने आखिरकार अपना काम कर ही दिया। नरसिंह भी आश्चर्यचकित था। उसने अपने शरीर में हो रहे बदलाव को रोकने की ताकत नहीं थी और अगले ही पल आईजी राजन के सामने खड़ा था। एसपी शेर खान यानी नरसिंह, लोहार के एक ही वार ने पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल गया। पशु मानवों ने बिना प्रतिरोध करे हार मान ली। अरे, ये सब तो जेल से भागे हुए कैदी हैं सर। भागे हुए नहीं, भगाए हुए, एसपी शेर खान द्वारा। ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, फर्स्ट क्लास। पर एक बात और है, इतनी देर से पुलिस जो गोलियां चला रही थी वे सब की सब नकली थी। पर कमाल तो तुमने किया है ध्रुव। मैंने नहीं पापा, ये कमाल तो रेणु और चंडिका। अरे चंडिका कहाँ गई? पता नहीं, अभी तो यहीं थी। आश्चर्य, वह पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ चली गई। खैर, लेकिन तुमने मुझको ये नहीं बताया कि तुम यहाँ पर यहाँ तक कैसे आई रेणु। सीधी सी बात है, संयोग से एक महीने की छुट्टियां बिताने के लिए मैंने लक्षद्वीप को ही चुना। यहां मैंने तुमको देखा और फिर तुम्हारा पीछा करते करते यहां तक पहुंच गई। तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मुझको पहली बार अपनी कमांडो फोर्स पर इतना नाज हुआ है। शेर खान ने बिना किसी दबाव के सब उगलना शुरू कर दिया। बात आज से 2 साल पहले की है। मेरी यहाँ नई पोस्टिंग थी। एक दिन एक खतरनाक अपराधी का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ पहुंचा। यहाँ पर मुझको एक जर्मन वैज्ञानिक की लिखी डायरी मिली। मुझको जर्मन भाषा आती है। डायरी में एक ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार के बारे में लिखा था जिससे मानव को पशु मानव में बदला जा सकता था। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक नई स्कीम जन्म लेने लगी। मैंने अपने पद का फायदा उठाते हुए जेलों में बंद अंतर्राष्ट्रीय कैदियों को जेल से भगाना शुरू कर दिया। वे भागकर कहीं नहीं जा सकते थे, अब वे सब मेरे गुलाम थे। हालांकि उनमें से यह कोई नहीं जानता था कि उनका स्वामी वास्तव में शेर खान है। मैंने हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मेरा सपना था कि मैं पशु मानवों की शक्ति से पूरी दुनिया का राजा बनूं, लेकिन जानू खान ने गड़बड़ कर दी। ना वह शहर जाता और ना ही उसकी ध्रुव से मुठभेड़ होती और ना ही ध्रुव यहाँ आता। पर मुझको अभी तक ये यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने ही पशु मानवों के शक्तिशाली साम्राज्य को खत्म किया है। हाँ, क्योंकि ये बच्चा नहीं है शेर खान, इसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और फिर वापस घर में, ओ ध्रुव ध्रुव, तुमने तो मेरा चिंता के मारे बुरा हाल कर दिया था। तुमको मेरी चिंता जरूर थी मम्मी, पर इस बंदरिया को नहीं। उधर मैं मौत से जूझ रहा था और ये चटोरी आइसक्रीम खा रही थी। क्या आप भी यही समझते हैं? समाप्त। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ग्रुप की अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।